जैसा कि हम सबको पता है, उदयपुर में एक दुर्घटना हुई है और उसको लेकर के पूरा प्रशासन, पुलिस जो है वो मुस्तैद है। धारा 144 यदि के जिले में प्रभावी है, परंतु ऐसा ध्यान में आया है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट एवं ट्विटर के माध्यम से इस घटना विशेष या व्यक्ति विशेष के वीडियो जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनसे सामाजिक वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है एवं उसको ध्यान में रखते हुए ना केवल धारा 144 में ये संशोधन किया गया है कि किसी भी प्रकार से इस घटना का या ऐसा कोई विषय जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े उसको लेकर के ना अपने मोबाइल में उसको स्टोर करें, ना उसको ट्विटर, सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से सर्कुलेट करें। इसके साथ में मैं आम जनता से आपके माध्यम से अपील भी करूँगा कि आप भी इसमें सहयोग करें। कल हमने 1 बजे समस्त भरतपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ में एवं धर्मगुरुओं के साथ में एक शांति समिति की मीटिंग भी इसीलिए रखी है ताकि ये माध्यम से सभी लोगों को मैसेज दिया जाए कि हम भरतपुर के नागरिक जो हैं वो पूर्ण रूप से इस घटना में किसी भी प्रकार की स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। समस्त थानाओं में CLG की गतिविधियाँ जो मीटिंग होती है वो भी अगले 2 दिनों में पूर्ण रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी मौजूद व्यक्तियों को बुलाया जाएगा एवं ऐसी कोई घटना हो उसके रिगार्डिंग में पहले से ही कार्रवाई की जाए, अगर कोई सूचना दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, यह प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंटरनेट जो है उस पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने आदेश प्रसारित कर दिए हैं, तो कल रात को 12 बजे तक जो है वो इंटरनेट भी बंद किया गया है और आगे का निर्णय है वो स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। जिले में यद्यपि अभी पूर्ण रूप से शांति है, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हमारे समस्त अधिकारी, क्योंकि अभी चुनाव, अभी परीक्षाओं का भी काम चल रहा है तो डबल रूप से जो है वो व्यस्त हैं, इसको देखते हुए जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको अपने फील्ड में वापस तैनात कर दिया गया है एवं जो परीक्षाओं का काम है उसको DLO के माध्यम से सुपरवाइज करते रहेंगे। इस समय जो अधिकारी छुट्टी पे थे, जो कर्मचारी छुट्टी पे थे, पुलिस के सभी की छुट्टियों को भी निरस्त कर दिया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने फील्ड में जो है वो तुरंत रिपोर्ट दें। उद्देश्य केवल यह है ताकि हम अभी तक जो है वो प्रोएक्टिव रहें, आगे भी प्रोएक्टिव रहें और ऐसे तत्व, आप सबसे निवेदन यही है कि ऐसे तत्व जो माहौल बिगाड़ सकते हैं या ऐसी कोई गतिविधियाँ या ऐसे कोई मोबाइल या किसी माध्यम से सर्कुलेट कर रहे हो तो आप पुलिस को 100 नंबर पर या जिला प्रशासन को कहीं भी सूचना जो है